हेलो फ्रेंड्स, पूनम चौहान खाना खजाना में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छे वाला बहुत ही लजीज, स्वादिष्ट और जायकेदार अचार। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो मैंने ये 1 kg मैंगो लिए हैं, कच्चे वाले आम लिए हैं, जिन्हें कि मैंने अच्छे से धो के साफ करके और पोंछ के छील के इन्हें कद्दूकस कर लिया है, जो कि सारी रात मैंने पंखे की हवा में इसे सुखाने के लिए छोड़ दिया था। ये मैंने सौंफ लिए 1 teaspoon, 1 teaspoon मेथी दाना, ये मैंने 1 tablespoon जीरा पाउडर लिया है जो हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ये मैंने सौंफ ली है 2 tablespoon, 3 tablespoon राई ली है, सरसों के दाना जो कि पीस लिया है, ये मैंने धूप में सुखाने के बाद में पीसे हुए हैं, ये मैंने करीबन 250 ग्राम सरसों का ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, ये नमक लिया है 2.5 tablespoon, 1 tablespoon मिर्ची पाउडर, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, मैंने ये रोस्ट करी हुई मेथी ली है जो कि मैंने पीस ली है, ये मैंने पीली सरसों ली हुई है, ये मैंने 1 pinch हल्दी ली है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कैसे बनाना है। तो ये हमने एक पैन लिया है जिसमें कि हम सरसों का ऑयल डाल देते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है और इसे अब हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में इसमें हम ये पंचफोरन का तड़का लगाएंगे। ये जीरा लिया है मैंने 1 teaspoon, ये बताना भूल गई थी, और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। आइए तो इसमें मेथी दाना डाल देती हूँ। सौंफ, जीरा, अजवाइन को सबसे बाद में डालेंगे क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी से भुन जाती है। और ये राई डाल देते हैं, पीली सरसों भून लेते हैं। तो ये भून गई है, इसमें हम ये हल्दी पाउडर 1 tablespoon, मिर्ची पाउडर 1 tablespoon, इसमें अब हम ये ग्रेटेड आम डालेंगे। और चला लेंगे। जीरा पाउडर डाल लेंगे, 2 tablespoon सौंफ जो कि दरदरी पीस ली थी, 3 tablespoon सरसों जो कि ये भी दरदरी पीस ली थी, मेथी दाना ये रोस्ट करके हमने पीस के रख लिया था 1 tablespoon, और 2.5 tablespoon सॉल्ट यानी कि नमक, इन सबको मिला लेते हैं। अब सारे मसालों को हमने मिला लिया है, इसे 5 मिनट के लिए हल्की मीडियम गैस पे, लो फ्लेम पे, मीडियम पे भी नहीं, लो फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट रहने देंगे और गैस को बंद करके इसे उतार देंगे। 5 मिनट हो गई हैं, आइए इसे बंद कर देते हैं। हमारा अचार बन के तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं।
आइए देख लीजिए, ये बनने के बाद में कितना अच्छा और लजीज लग रहा है। खाने में उतना ही जायकेदार और स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। आइए तो हमारा देख लीजिए, आम का अचार बन के तैयार है। ये कितना लजीज और जायकेदार बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरी रेसिपी को बनाइए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक यू।